इनकरेज अस एंड सपोर्ट अस। तो अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी बारे आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफ कि जी मोहाली यूनिवर्सिटी एसोसीएशन अपना 50वां साल सैलीब्रेट कर रहा है। 1973 च एसोसीएशन बनी सी तो हुण 50 साल सानू हो गए ने इंडस्ट्री की सर्विस करते हुए। इस तों देखते हुए वॉन्टेड कि जी एक चंगा कोई किया जाए इंडस्ट्री की बेनीफिट लई। तो ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन आप 17-18 मार्च में इत्थे लगा रहे ने। तो ये एग्जीबिशन ऑलमोस्ट जो सदेवा जी ने बताया जी 25 साल के बाद ये एग्जीबिशन दोबारा मोहाली एसोसीएशन लगा रही है। लास्ट एग्जीबिशन 97 में लगी थी जब सदेवा साहब ही सेक्रेटरी थे और हमारे पास प्रेसिडेंट सबरवाल जी प्रेसिडेंट थे, उसके टाइम पे ये एग्जीबिशन लगी थी एक बार पहले। और ये 25 साल के बाद ये उपराला किया जा रहा है कि जी मोहाली एसोसिएशन द्वारा ये एग्जीबिशन लगा रही है। इस एग्जीबिशन की जो ज़रूरत समझी गई और जो मेरे मन में जो एक माइंड में आया वो बात बहुत देर से ऐसे बात आती थी कि जी बहुत बारी हमारी बातें होती थी मीटिंग के अंदर कि जी अच्छा ये मटीरियल तो मोहाली में बनता है और हम तो कहीं गुड़गांव से ले रहे हैं, ये मटीरियल तो चंडीगढ़ बनता है और हम तो किसी ट्रेडर से ले रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं होती थी कि उनके लोकली क्या बन रहा है, क्या अवेलेबिलिटी है, और वो इधर उधर उस चीज़ों को ढूंढते फिरते थे। उस ज़रूरत को देखते हुए हमने पहला ऑब्जेक्टिव तो इसको था कि जी हम कोशिश करें कि इस एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता लगे ताकि उसका एक नॉर्मल एक बिज़नेस बढ़ सके, बायर सेलर मीट हो सके। तो एक तो ऑब्जेक्टिव इसका एक ये था। दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें था कि जी जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं उसके अंदर एक कॉस्ट बहुत हाई होती है और लोगों को उसमें लगाने की हिम्मत नहीं होती जो हमारे MSME होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं। तो हमने एक लो कॉस्ट, बिकॉज ये हमारी जो मोहाली एसोसिएशन है ये नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसके अंदर हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो हमने कोशिश करी कि उसको लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर हम कैसे एक एक्सपोजर दें हमारे जो MSME मेंबर्स हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी एक एग्जीबिशन लगाने का एक अनुभव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या पिटफॉल्स होते हैं, कैसे उसको नेक्स्ट टाइम ताकि वो बेटर वो कर सके, विच विल इंकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन बिगर एग्जीबिशंस आल्सो। सो इस ये भी बहुत बड़ा मोटिव था जिसको देखते हुए ये एग्जीबिशन प्लान करी गई और डिसाइड किया गया कि एग्जीबिशन हम मोहाली एसोसिएशन लगाई जाए। हमको बड़े खुशी होकर कहते हैं कि ऑलमोस्ट हमने जब एग्जीबिशन स्टार्ट करी थी हमने सोचा था हमारे 50 स्टॉल हम लगा पाएंगे, लेकिन आज की डेट में 100+ स्टॉल्स हमारे यहाँ पे पूरे लग चुके हैं। और इसमें हमने किसी को कहना नहीं पड़ा कि जी आप आके स्टॉल लगाइए, हमारे अपने आप ही स्टॉल्स यहाँ पे लोगों ने आके लगाए, इसकी हमको बड़ी खुशी हुई। 100+ स्टॉल्स हमारे लग चुके हैं और इट इज़ फ्रॉम डिवर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। वहाँ पे मेटल इंडस्ट्री भी है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी है, बाथ फिटिंग भी है, पावर टूल्स भी हैं, कटिंग इंडस्ट्री, पावर टूल्स और मतलब मशीन टूल्स भी हैं। तो देयर इज अ डिवर्स प्रोडक्ट्स। सो इस तरह की जो एग्जीबिशन आई फील इट इज़ अ वेरी यूनिक एग्जीबिशन, बहुत डिफरेंट एग्जीबिशन है जो कि लग रही है। इससे पहले जो एग्जीबिशन लगती हैं ज़्यादा वो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं, जो मशीन टूल्स की होती है, कोई आर्किटेक्चरल होम प्रोडक्ट्स की होती है, बट ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए और छोटे MSMEs के लिए बहुत अच्छी एक मौका है आई वुड से टू शोकेस द प्रोडक्ट्स, शो द टेक्नोलॉजीज और टू बी हेयर। अनदर जो इसमें हमने फीचर एक ऐड किया है, यहाँ पे हम एक पैरेलली इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं जो एक एक्सपोजर इंडस्ट्री को देंगे। उसके अंदर हमारा एक जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है इस रीजन के अंदर, हमारा एक टॉपिक है अपने बिजनेस को 10 करोड़ से 100 करोड़ में कैसे लेके जाइए। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पंजाब मोहाली के अंदर रीजन के अंदर जो एक थ्रेशोल्ड को जंप नहीं कर पाते। एक बार अपनी टर्नओवर बढ़ा दी 10 करोड़ को, 12 करोड़ दी, 12 करोड़ से 50 करोड़ की जो छलांग है वो एक क्वांटम जंप होती है जिसके लिए एक नया माइंडसेट, एक नया एटीट्यूड, एक नया थिंकिंग चाहिए होती है। तो एक हमारा सेशन है जहाँ पे हमारे जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं जैसे श्री पीजे सिंह जी हैं टाइनोर से, वी आर कॉन्टैक्ट विद मिस्टर संजीव जुनेजा जी जो जिन्होंने अपने कौन सा उनका है केश आयुर्वेदिक है, उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी इमामी को ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की अपनी कंपनी बेची अभी रिसेंटली, तो संजीव जुनेजा जी नहीं नाम ब्रांड था, तो उनसे हम कॉन्टैक्ट में हैं टू हेल्प टू कम हेयर एंड मोटिवेट द इंडस्ट्रियलिस्ट हेयर। सो एक बड़ा टॉपिक है, वी हैव चीफ मटेरियल मैनेजर एंड प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर फ्रॉम रेल कोच फैक्ट्री टू बी हेयर, जो रेलवेज के बारे में बताएंगे कि रेलवेज के अंदर ऑलरेडी क्या फ्यूचर में आने वाला है, उनका एक सेशन है। हमारा एक सेशन है जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर PSPCL का, जो
इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के बारे में हमको यहाँ पे बताएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि क्या होगा। तो इस तरह के हमारे सेशन हमने बहुत अच्छे सेशन क्रिएट करे हैं जिससे हमको ये पता लगेगा कि जी जेम्स के ऊपर एक सेशन है हमारा यहाँ पे कि अपनी मार्केट पेनिट्रेशन कैसे इंक्रीज करी जाए थ्रू द जेम्स पोर्टल। तो MSME इंडस्ट्री हमको उसमें बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है इस एग्जीबिशन का, जहाँ पे पैरेलली बहुत सारे इंडस्ट्रियल इस तरह के सेशंस होंगे विच विल हेल्प द इंडस्ट्रियलिस्ट टू नो अबाउट एंड टू इंक्रीज देयर नॉलेज। सो वी आर वेरी होपफुल दैट ये जो एग्जीबिशन होगी इसमें एक बेनिफिट MSME को मिलेगा और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा। जो हमारी पूरी रीच है यहाँ पूरा ट्राई सिटी, पंचकूला, चंडीगढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन, पंचकूला इंडस्ट्री एसोसिएशन, डेराबसी इंडस्ट्री एसोसिएशन और बरोटी बदी इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सारी एसोसिएशन हमको सपोर्ट कर रही हैं सारे मेंबर्स, उनके हमको उम्मीद है कि यहाँ पे विजिट करेंगे और इसको अच्छा से अच्छा होगा। और जो हमारे को स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पे जो इस एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया, बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है हमको। रॉयल एस्टेट ग्रुप ने हमको टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो एक हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्पॉन्सर्स हैं हमारे, टाइनोर हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ICICI बैंक हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो एक अच्छी सपोर्ट मिली है एंड वी आर होपफुल कि जी आप मीडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि जी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोजर दीजिए, बिकॉज ये जो बेनिफिट आएगा सारी इस रीजन की इंडस्ट्री को आएगा, जो लोग यहाँ पे विजिट करेंगे 17-18 मार्च को, और उससे बहुत अच्छी चीज़ ये यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिलेगा। नहीं सर, अजय तक इस तरह का कोई ज़्यादा नहीं हैगा। दैट इज़ वाई हमको तो हमारे मोहाली के अंदर भी हमारे जो मैंने बताया ना जो शुरू में बताया मैं कि एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था इसको करने का, वो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यही था कि जब हमारी यहाँ पे मीटिंग्स होती थी तब भी किसी को पता लगता अच्छा जी यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, हमें तो पता नहीं था। अब आम लोग मेरे हिसाब से जो बेसिकली ये जो इसका रूपरेखा है वो बिजनेस टू बिजनेस है, ये B2B एग्जीबिशन है, जो दूसरी होती है आम लोग वो B2C होती है जी। तो ये हमारी मेनली B2B है, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि इसमें ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं तो उस तरह के आम लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होगा इसमें, बट मोस्टली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस जो कुछ अपने कुछ कोई स्पोर्ट्स कोई कह रहा है जी चाह रहा है जी मैं अपने कोई स्विचगेयर यहाँ पे कहाँ बनता है, यहाँ पे स्विचगेयर वाला होगा उसको आके मिलेगा यार मैं स्विचगेयर अभी तो मैं कहीं और से खरीद रहा हूँ, मैं क्यों नहीं लोकल खरीद लूँ मैं। नहीं डेफिनेटली जी जरा हम सबमिट होया है जिसमें सरकार ने किया है जी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पंजाब जाने की उम्मीद हैगी है। तो एक जनरली फोकस का क्रिएट होता जी, सरकार का भी फोकस क्रिएट होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का भी फोकस क्रिएट होता ऑल ओवर इंडिया, जिमें साढ़े CM साहब पूरे ऑल ओवर इंडिया विजिट किया उन्होंने, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर विजिट किया, तो कुछ ना कुछ तो एक खिच आती हैगी है कि कोई ना कोई तो पंजाब बारे सोचता है कि हाँ भी इतने भी हाँ जी ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ ਭਾਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ हाँ जी ये अगले ये 17-18 अगले अगले 17-18 मार्च फ्राइडे सैटरडे ये वेन्यू साढ़े इतने MIA भवन ही है जो हाँ जी बार जो है जी हाँ ये पार्किंग सर बजट वैसे तो जरा उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बधाई हैगी है तो ऑलमोस्ट 25-26% इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हैगी है। तो वी आर होपफुल कि जेकर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उधर रेवेन्यू अगर सरकार इकट्ठा कर सके तो डेफिसिट ज़्यादा ना बधे तो बजट बहुत चंगा हैगा,
बट इट इज सी कि जो रेवन्यू किवें जनरेट करते हैं वो वी हैव टू सी कि एक्चुअली वो रेवन्यू उन्ना आ जाता है तो उन्होंने हेल्थ से भी काफ़ी फोकस हैगा तो एजुकेशन से है स्किल्स से है इंडस्ट्री लिए भी है उन्होंने जरा कि ऑलमोस्ट उन्होंने जी सबसिडी देनी हैगी है ऑलरेडी प्रोविजनिंग की हैगी है बजट के अंदर तो साढ़ा सिर्फ एको ही उस अगर मैं सोचा तो एको ही गल जाती हैगी है कि रेवन्यू साइड पर वो मैच कर लैन डेफिसिट ज़्यादा ना बधे सर इधर सर ऑलरेडी वी आर वी हैव इनवाइटेड जी मेन यूनिवर्सिटीज है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैगी है पंजाब यूनिवर्सिटी हैगी है अपना चितकारा यूनिवर्सिटी हैगी है रायतन बारा इतने ऑलरेडी वी हैव इन कंटैक्ट विद द वाइस चांसलर्स हमने कल लास्ट वीक वी हैव सेंड आउट देम लैटर्स वी आर टॉकिंग टू दैम कि जी तुम अपने बच्चों भेजो इतने एग्जीबिशन से डेलीगेशन बना के तुम जो अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है उन्होंने तुम भेजो तो दे कुड हैव एन एक्सपोजर टू दिस हैव ए चांस टू मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट ये तो जाना ज़्यादा जब थोड़ी जी इंट्रैक्शन होती है तो जॉब्स तो अपने आप क्रिएट हो जाती है जॉब की रिक्वायरमेंट सबकी हैगी है जी जी सर जो आपने जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बी टू बी एग्जीबिशन जो लगाएंगे तो ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का होगा तो इसमें एमएसएमई का क्या रोल रहेगा थोड़ा सा इसके बारे में नॉट भाई जो इनको पहले बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स ही बात है स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी ग्रुप्स में डिफरेंट फैक्ट्री को विजिट कर रहे हैं जस्ट टू नो द टोटल प्रोसेस ऑफ द कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है तो प्रोडक्ट देखने की बात नहीं है और ऑपरेशन के हिसाब से ऑलरेडी जैसे मेरे पास कम से कम 4 एमबीए के कॉलेज आ गए था पता एमएसएमई हैज बेसिकली एमएसएमई इज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो एमएसएमई का फुल फॉर्म है तो जो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एग्जीबिशन में लगा रहे हैं मोस्टली जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लग रहे हैं जो मैन्युफैक्चर्ड बाय एमएसएमई हैं जो ये छोटी इकाइयाँ हैं जो मोहाली में या चंडीगढ़ में या पंचकूला में या बद्दी में जो छोटी इकाइयाँ हैं वही जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं वही यहाँ पे अपने आप को उन्हीं की एग्जीबिशन लगा रहे हैं डेफिनेटली जी देखो इंडस्ट्री की ग्रोथ लई पीसफुल एटमोसफेयर तो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट तो फस्ट प्रायोरिटी हैगी हैगी है तो जेडे हालात है कंसर्न का इशू हैगा बट ऑलरेडी वी हैव टेकन अप दीज इशूज विद द ऑनरेबल सी एम तो वी हैव फुल फेथ कि जी ये इस तरह ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा बट दे विल बी अंडर कंट्रोल ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा नहीं जी नहीं दिस इज एनीबडी हु इज रनिंग अ बिजनेस कोई ट्रेडर भी हैगा हु वांट्स टू शो केस वो इस एरिया का अगर इस एरिया का हैगा तो ही इज मोस्ट वेलकम जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं इसकी कॉस्ट हैगी जो स्टॉल हैगी फीस हैगी है स्टॉल की हाँ जी हाँ जी तो मैं कह रही उदी साड़ी ऑलमोस्ट फीस जी 25,000 रुपए जो 3x3 का स्टॉल है 3 मीटर x 3 मीटर का स्टॉल है वह 25,000 रुपये है फॉर 2 डेज तो जरा 3x2 का स्टॉल है कोई अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये है आफ्टर डिस्काउंट जो है हाँ जी सर जे साड़ी इनॉग्रेशन हैगी 17 तरीक न 11 बजे तो मैडम अनमोल गगन मान जी जे कैबिनेट मिनिस्टर ने फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लेबर टूरिज्म एंड कल्चर तो सतारह मार्च न 11 बजे इनॉग्रेशन हैगी जी एग्जीबिशन की तो मैडम अनमोल गगन मान जी कैबिनेट ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लेबर टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयरस एंड ग्रीवेंसिज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो अपने इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो साडा हजे कन्फर्म नहीं है बट सरदार कुलवंत सिंह जी MLA ने वो गेस्ट ऑफ ऑनर होने उस दिन में तो जो होल सैलीब्रिटीज़ है जिम्मे सैकटरी इंडस्ट्रीज़ है श्री दिलीप कुमार जी
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਚੰਦ ਮੋਹਾਲੀ ਆਸ਼ਕਾ ਜੈਨ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਰੀਤੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਮ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। 1997-98 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਐਕਸਪੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ MIA ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਫੀਚਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ MSME ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ PHD ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ 100% ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ MIA ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਈਅਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਜਦਾ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ ਮੰਥ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੰਥ, ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ ਮੰਥ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PHD ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ MSME, SIDBI, ਤੁਹਾਡਾ NSIEC, ਤੁਹਾਡੀ NEFED, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਜ MSME ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 150 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ 200 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੋ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹੈਂਗਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 60 ਦਾ ਹੀ ਹੈਂਗਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਲਮੋਸਟ 1 month ਓਨਲੀ ਬਿਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਆਲਮੋਸਟ 100+ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਲਕਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ 10-12 ਸਟਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।